लॉकडाउन ने फूलों की खेती करने वाले किसानों की कमर तोड़ दी है। शादी विवाह, धार्मिक स्थल और फूल मंडियां बंद होने की वजह से किसानों के फूल खेतों में ही बर्बाद हो रहे हैं। खासतौर पर मोगरे की खेती, जिसकी खुशबू से किसी भी कार्यक्रम में रौनक आ जाती है। जिस मोगरे की खुशबू हर मंदिर और शादी की शान बनती है, वही मोगरा इस बार खेतों में सड़ रहा है। 22 मार्च से प्रदेश के सभी धार्मिक स्थल बंद पड़े हैं, तो वही शादियों के बड़े समारोह भी नहीं हो पा रहे। ऐसे में साज सज्जा में सबसे बड़ा रोल निभाने वाले मोगरे की ना तो खपत हो पा रही है और ना ही मोगरा खेतों से निकलकर मंडियों में पहुंच पा रहा है। मोगरे की खेती से जयसिंहपुरा खोर के किसान साल भर का गुजर बसर कर पाते हैं। इस बार मोगरा उनके रोने की वजह बन चुका है। इसका कारण है कि किसानों ने मोगरे की पैदावार के लिए अपनी जमा पूंजी इसी खेत में लगा दी और अब आमदनी का समय आया तो लॉकडाउन में उनसे ये मौका भी छीन लिया गया। किसान बाबूलाल सैनी ने इस पर बताया कि मोगरे के फूल गुलाब से भी महंगे बिकते हैं। गुलाब 50 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है, तो वहीं मोगरे की कीमत 200 से 300 रुपए प्रति किलो की होती है। इस बार मोगरे की खेती करने वाले किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। मंडी में कहां गई, 6 महीने हो गए बंद हो गया, 3 महीने हो गए लॉकडाउन में, तो ये तो खराब हो गई। इसको बाटे पड़ पड़ के खराब कर देते हैं, इसको क्या करें। तो अभी सीजन कब तक रहता है, क्या कब से चलता है? उंडालाम चलता है इसका सीजन, तो मौसम खत्म हो जाता है, अब क्या करें हम। नुकसान हो गया? हाँ नुकसान हो गया, साल भर का ऐसे ही गया। अब सावा वा सब बंद है। मोगरे की फसल है, हम इस पे 5-6 महीने से मेहनत कर देते हैं, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। प्लस उसके बाद में हमारे टिड्डी आ गई, पूरी फसल को नष्ट कर गई है, हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। हमें पूरे सीजन इसी पे डिपेंड रहते हैं, हम काफ़ी टाइम से मेहनत भी कर रहे थे। एक साल में एक बार आते हैं, तो ये मतलब लॉकडाउन से फसलें ख़राब हो गई है मोगरा की, और वे बाद में टीडिया भी खा गई है, और सावा भी खुल गया, तो मोगरा 12 महीने में हमें एक बार ही आते हैं हमारे। अब हम क्या करें, हमारे बच्चा बच्ची क्या करें।